अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदा रहमत अली साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम काम करने की जगह पर तहजीबी तकाजे के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्कद हुआ। ह्यूमन रिसोर्स शोबा में एक मुमताज मकाम रखने वाली मेहमान मुकर्रा अमरीन अस्करी ने हाजरीन से मौजू के हवाले से खिताब किया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। मरकजी सदर उर्दू कौमी जबान तहरीक जफर इकबाल उपल ने दरख्वास्त की कि नफाज उर्दू के लिए भरपूर कोशिशें की जाएं और हर जगह अंग्रेजी बोलने के बजाय अपनी कौमी जबान उर्दू को फोकियत दी जाए। जफर इकबाल उपल ने यह भी अपील की है कि सिगरेट नोशी से परहेज किया जाए ताकि एक सेहतमंद माशरा वजूद में आ सके। आखिर में जफर इकबाल उपल ने एक सेहतमंद माशरे के क्याम और नई नस्ल को बीमारियों से बचाने के लिए नौमौलूद बच्चों को माँ का दूध पिलाने की अहमियत पर रोशनी डाली। दीगर मुअज्जिज़ीन मेहमानों में फनकार, शायर और एग्जीक्यूटिव रुकन उर्दू कौमी जबान सैयद अलमबरदार बुखारी, औरंगजेब सोहरावर्दी, तलहा खान, हारून हबीब, आसिम इसार, मोहम्मद अकरम और मोहतरमा सुमैरा भी शामिल थे। तकरीब की सदारत शेख परवेज हसन, अतीक अहमद और मोइन इरफान ने की। कि जो हम हैं खुद, हम उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर वर्ड एथिक्स को हम डिफाइन करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड एथिक्स इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल बिहेव एंड मेक डिसीजंस इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। इट्स अबाउट यू। इट डायरेक्टली इफेक्ट प्रोडक्टिवली जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। सो इट्स बी वर्ड सेट मेरे ऊपर क्या उस चीज का इंप्रेशन आ सकता है? क्यों मेरे ड्राइवर स्टैंडिंग ओवर देयर थिंकिंग व्हाई शी सेड इट? वो मुझे गाइड कर सकती थी। सो अगर आपके अंदर किसी चीज की इनसिक्योरिटी आ गई है, डोंट शो दैट। यू डोंट नीड टू शो दैट। आपके जो वर्क प्लेस पे जो आपके अपनी अचीवमेंट्स है वो खुद ही बोलती है। यू डोंट नीड टू टेल। सो काइंडली रिस्पेक्ट कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, एंड द क्लाइंट जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि हम वर्क प्लेस की बात करें तो कुछ चीजें हम देखते हैं कि वर्क एथिक्स को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। लीड बाय एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम नॉट आस्किंग कि आपके घर में कितने लोग हैं। एंड पीपल स्टार्ट क्या है, I have 3 brothers and I am doing this and I am married. I am not asking about those such things. So you need to see कि वो ethics क्या है. Then जब हम hire करते हैं तो we are making one mistake that we do not tell them at that time कि what is our requirement. Like I am giving HR trainings in Islamabad and what is happening over there? लोग hire हो चुके हैं. They didn't tell that what are the code of conduct. अभी हमने आपको किस चीज पे फॉलो करवाया? After a month or 2 months, now they are worried that they are not following your rules. So my question from them was, have you told them? Yes. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।